हेलो एंड वेलकम टू द डीप डाइव विद अभिनव खरे। आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे तिबेतियन स्पेशल फोर्सेस और उनका क्या रोल था इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971-72। उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान को सपोर्ट किया बिना किसी से डरे, बिना किसी से सहमे। तो चलो कूदे। तिबेतियन स्पेशल फोर्सेस की अगर बात करते हैं तो ये काफी एक सीक्रेट है हिंदुस्तान और तिब्बत के जो कमांडोज हैं उनके बीच में। बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में कि एक स्पेशल फोर्स थी जिसका नाम था TSF, तिबेतियन स्पेशल फोर्स, जिसको कोड नेम एस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से जाना जाता था। इसको बनाया गया था 14 नवंबर 1962 में। उत्तराखंड से ये इसका बेस था और इसमें काफी स्टालवर्ट तिबेतियन और वहां के जो खंपा के जो प्लेन के जो लोग थे उन्होंने आखिर हिंदुस्तान की जो एक जंग है वो लड़ी हिंदुस्तान के लिए। और उनकी वजह से ही 71 में जब पाकिस्तान को चित्तगोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पूरी तरह इमोबिलाइज किया पाकिस्तानी आर्मी को, तो ये सब कुछ जो पूरा का पूरा क्रेडिट है TSF को जाता है। हमने आज तक उनको ढंग से धन्यवाद नहीं दिया है, तो आज इस वीडियो के थ्रू उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट देने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो SSF जो 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद जो हुआ था, जो जिनको बनाया गया था अपने बनने के 9 साल बाद, जब इंडियन आर्मी अटैक करने वाला था तो उनके पहले भी सबसे पहले SSF वहाँ गया और इंडियन ट्रूप्स जब आए तो उनको रिसीव करने के लिए SFF ऑलरेडी वहाँ पे था। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टिडबिट है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। अब हम बात करते हैं ये छोटे छोटे बैटल्स जिनके कॉम्बिनेशन से फाइनली इंडिया ये पूरी वॉर जीता। सो अक्टूबर 1971 में AN-12 में रफली 3000 तिबेतियन को एयरलिफ्ट किया, जिनको आगे दीमागिरी के पास में इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश होता है उस बॉर्डर पे इनको ड्रॉप किया गया। बॉर्डर के दूसरी तरफ चित्तगोंग हिल में इन लोगों को बोला असेंबल होने का। इनके पास में उस समय बुल्गारियन मेड असॉल्ट राइफल थे और SSF का काम था गुरिल्ला रेड्स करना चित्तगोंग हिल में। दूसरी तरफ SSF को काउंटर करने के लिए इन्हीं जंगल, जिन जंगल के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी लीच इन्फेस्टेड और काफ़ी घने बिल्कुल जंगल थे दलदल वगैरह से भरे हुए, यहाँ पर पाकिस्तान की एक ब्रिगेड थी जिसके पास में एक बटालियन उनके एलिट स्पेशल फोर्स की थी, विच इज़ कॉल्ड एलिट स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG। इंडियन आर्मी को पता था कि अगर ये ब्रिगेड रहेगी तो इंडियन आर्मी जो जिसकी एक जो कॉर्प है जो आगे प्रिपेयर कर रहा है ढाका पे अटैक करने के लिए, वो आगे शायद नहीं बढ़ पाए। तो इसलिए SSF की सक्सेस वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी थी। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में ऑपरेशन ईगल शुरू हुआ, मतलब इसके अंदर में दीमागिरी को छोड़कर सारे तिबेतियन कमांडोज ईस्ट पाकिस्तान में एंटर करे। SSF ने उसके बाद वहाँ पर जो पाकिस्तान एक पाकिस्तान पोस्ट को गिराया, उसके बाद अगले को गिराया, एक एक करके उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल करी। सो जब तक वॉर ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ तब तक ये जो तिबेतियन कमांडोज थे ये ऑलरेडी 3 वीक्स में 3 वीक से अंदर पहुंच चुके थे बांग्लादेश के, और इन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल करी सिर्फ अपनी खुकरी और बुल्गारियन असॉल्ट राइफल के थ्रू। उस समय इनके जो इंडियन कमांडर थे मेजर जनरल SS ओबान, उन्होंने कहा कि ये तिबेतियन कमांडोज टोटली अनस्टॉपेबल है। ऑन दिसंबर 16 SSF सिर्फ 40 किलोमीटर दूर रह गया था चित्तगोंग पोर्ट से। उन्होंने अकेले ने ये 3000 तिबेतियन कमांडो ने मिलकर एक पूरी पाकिस्तानी बटालियन का सफाया कर दिया था, और उसके बाद पूरे चित्तगोंग में उन्होंने परेड करी। एक अनफॉर्चुनेट जो एक रियलिटी है जो वॉर की, वो ये थी कि 49 तिबेतियन कमांडो की जान चली गई। इंडिया उनके लिए हमेशा हमेशा आभारी रहेगा क्योंकि एक ऐसी वॉर थी जिसमें उनकी कंट्री का दूर दूर तक लेना नहीं था, भारत के लिए उन्होंने अपनी जान दी, हम उनको नमन करते हैं। अब इसके कंक्लूजन में आते हैं। TSF का जो जितना की रोल था चित्तगोंग को कैप्चर करने में 1971 में, उसके कारण भारत सरकार ने कैश प्राइजेस दिए थे 580 मेंबर्स को, ये जो TSF के जो कमांडोज थे उनको। लेकिन क्योंकि ये पूरा जो मिशन था ये सीक्रेट मिशन था, पूरा ऑपरेशन सीक्रेट था, तो किसी को भी ये जो अवार्ड है ये पब्लिकली नहीं दिए।
एसएसएफ के किसी भी जवान को कोई भी हाई ऑनर वाला मेडल नहीं दिया गया। ये आज भी इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, इनको इनकी पेमेंट लो है, इनके जो पेंशन है वो रिलायबल नहीं है, इनको बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। इसके बावजूद जो गोरिल्ला जो है एस्टैब्लिशमेंट 22 के, वो आज भी भारत के लिए जो बहुत क्रिटिकल बैटल्स हैं उनमें फाइट कर रहे हैं। इन्होंने पार्टिसिपेट किया ऑपरेशन ब्लू स्टार में, सियाचिन के कैप्चर में, कारगिल में, और उसके अलावा बहुत सारे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हैं हम हिंदुस्तान के, जिसमें इन्होंने हमको सक्सेसफुली डिफेंड किया। इंदिरा गांधी के असैसिन होने के कुछ समय बाद पूरी गांधी फैमिली की जो सिक्योरिटी का चार्ज था वो भी एक टीएसएफ की एक यूनिट के पास ही था। और अगर अनकन्फर्म रूमर की बात करें तो ये लोग टाइगर हिल के जो कैप्चर था जो कारगिल वॉर में, उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व थे, इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है कि इसके बावजूद आज तक ये लोग अनसंग हीरो रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान की लड़ाइयां, हिंदुस्तान की वॉर को पीछे से छुप के सीक्रेट में सपोर्ट किया है और लड़ा है। तो अब क्यों ना इनकी इन वैल्यूएबल जो सर्विसेज हैं उसको हम लोग स्वीकार करें और हम इनको धन्यवाद करें इसके लिए। ताशी दिले, जय गोरख, जय हिंद। सो थैंक यू वेरी मच, दिस वॉज डीप डाइव विद अभिनव खरे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। आप कौन से और ऐसे वीडियोज़ हैं जिसको हम आप चाहते हैं कि हम कवर करें, प्लीज़ हमको बताइए। थैंक यू वेरी मच। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया।